गिरिपार को जनजाति दर्जे के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका को लेकर हाटी समिति ने की चर्चा। ददाहू में आयोजित खुमड़ी बैठक में समिति की संगड़ा ब्लॉक यूनिट के अध्यक्ष व सचिव ने जल्द कोर्ट से अच्छी खबर आने की उम्मीद जताई। 150 पंचायतों को अनुसूचित जनजाति दर्जे का पर्दे के पीछे से विरोध कर रहे नेताओं को भी समिति पदाधिकारियों ने कोसा। 1955 में ट्रांसगिरी की खास व भाट जाति का रेवेन्यू रिकॉर्ड बदले जाने व अन्य कानूनी पहलुओं पर भी मौजूद 7 पंचायतों के लोगों को दी गई जानकारी। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति द्वारा 2 दिन पहले कोर्ट में दायर की गई है CWP। हाटी समिति द्वारा शनिवार को ददाहू में आयोजित खुमड़ी बैठक में समिति की संगड़ा ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष रविंदर चौहान तथा महासचिव मनोज कमल आदि द्वारा मौजूद लोगों को जनजातीय दर्जे की मांग के खिलाफ हिमाचल उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट पिटीशन तथा समिति की आगामी रणनीति संबंधी जानकारी दी गई। ददाहू तहसील की कुल 23 में से 7 पंचायतें जानकारी के अनुसार गिरिपार के अंतर्गत आती है और बैठक में विकासखंड सगड़ा के अंतर्गत आने वाली उक्त पंचायतों की सभी इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। रविंदर चौहान तथा मनोज कमल ने मौजूद ग्रामीणों को गिरिपार को ST स्टेटस के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि समिति के वकील मजबूती से उनका पक्ष रखेंगे और उन्हें जल्द केस खत्म होने तथा अदालत से भी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। हाटी समिति ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर चौहान ने कहा कि पिछले कई दशक से क्षेत्र में जातिवाद की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं द्वारा भी पर्दे के पीछे से ST स्टेटस की मुहिम का विरोध किया जा रहा है, जिसकी उन्हें इलाके के लोगों से नियमित जानकारी मिल रही है। गिरिपार के 150 के करीब पंचायतों की 3 लाख के लगभग आबादी से जुड़ी इस मांग का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में विरोध कर रहे जातिवाद की राजनीति करने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं की भी उन्होंने अपने संबोधन में निंदा की। जानकारी के अनुसार गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा क्षेत्र के ट्राइबल एरिया संबंधी 5 निर्धारित मापदंडों पर खरा न उतरने था, इससे पहले RGI द्वारा हाटी को बतौर समुदाय अथवा जाति पंजीकृत किए जाने की मांग को रिजेक्ट किए जाने को आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन दायर की गई है। समिति के लीगल एडवाइजर एवं पूर्व विधायक हृदय राम चौहान से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। मतलब है कि वर्ष 1967 में 7 लगते तत्कालीन UP के बाबर जोंसार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद से लगातार गिरिपार वासियों द्वारा भी ST स्टेटस की मांग की जा रही है। तब से आज तक लगभग हर विधानसभा व लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिपार का जिन बोतल से बाहर निकलता है। ददाहू में आयोजित खुमड़ी बैठक के दौरान समिति महासचिव ने वर्ष 1955 में सरकार द्वारा क्षेत्र में रहने वाले खासवा भाट समुदाय के लोगों का रेवेन्यू रिकॉर्ड बदले जाने के लिए भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। लाभ नहीं होगा, सभी 14 जातियां हैं उतनी इसमें लिखी गई है, दर्शाई गई है गिरिपार में जो सर्वे रिपोर्ट है और जो हाटी समुदाय का जो ड्राफ्ट है हमने हिमाचल गवर्नमेंट को भारत सरकार को भेजा, उसमें 14 जातियां हैं। लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व और कुछ शायद इसके बीच में जैसे कि आप लोगों से बात आ रही थी कि कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ भी हैं जिनको ये लग रहा कि हमारा भविष्य जो है खतरे में है और अगर ये हाटी समुदाय हो जाता तो शायद हमारा ये आज तक जितना ठगा हमने लोगों को तो जैसे बेवकूफ बनाया, अब आगे चलने वाला नहीं है। तो उनके दो केस हो गए, वो भी एट्रोसिटी के केस मेंशन कर रहा है। इसके अंदर दूसरी जो खामियां मैंने पाई है और जो हमारी समिति है उनसे चर्चा की है, उन्होंने कहा, इन्होंने चैलेंज किया है लोकयुक्त कमेटी के जो 5 पैरामीटर है, उन्होंने कहा कि इस पे जो है हमारे जो ट्रांसगिरी का क्षेत्र है वो खरा नहीं उतरता है। उन्होंने बेस बनाया है जो 2017 में हमारा केस जो RGI द्वारा रिजेक्ट किया गया था, वो उनको शायद आपको पता है कि वो क्यों रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट इसलिए किया गया था कि उस समय हमारी जो जाति थी राजपूत और ब्राह्मण, और जो RGI की ऑब्जेक्शन थी कि जो रिजर्वेशन मिलती है स्कूल ट्राइब की वो राजपूत और ब्राह्मण को है नहीं मिलती, और आपके जो ट्रांसगिरी के अंदर है वो राजपूत और ब्राह्मण विराजमान है, इसलिए जो है हम आपको ST का स्टेटस नहीं दे सकते, उनका ये मानना था और वो रिजेक्ट हुआ। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारी खसखने समिति गिरिपार क्षेत्र की है, उन्होंने भी मंत्री महोदय से मुख्यमंत्री जी से मिलके जब हमने इस अपना खसखने समिति ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने साफ कहा कि आप 1955 से पहले जो है वो खसखने थे। अब क्या हुआ कि रातों रात हमारे को राजपूत बनाया गया और हमारे जो भाट भाई है उनको ब्राह्मण बना दिया। हो सकता है राजनीति की इच्छा रही हो, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, परंतु हमारे जो खसखने समिति है उनको आश्वासन मिला है और ये हमारे पास तथ्य के साथ प्रूफ है